Very sorry, everyone. I know this is not ideal, but this let's try this one. I hope this works. Yeah, I'm extremely sorry, and let me. Sorry, yeah, champ. Sorry, I hope. हो गया ठीक. I hope you're good now. I think. Timer था क्या? एक घंटे का भूख गया इंटरनेट. अबे यार लोग मुझे लग रहा है लोग परेशान हो गए सुन के अबे. तारे काट दी लोगों ने. अच्छा हम वहां थे. आपने कहा कि सारी प्लानिंग अनुष्का करती है. पर मेरा सवाल ये था कि जब स्टार्टिंग में ये प्लानिंग का सिलसिला शुरू हुआ कितना डिफिकल्ट था कि आपने कहा नहीं यार बिकॉज शी नोज मोर लेट हर डू इट. और कैसा था वो कन्वर्सेशन? शुरू तो पहले ऐसे हुआ कि हम दोनों इतने बिजी रहते थे कि पहले तो काम जहाँ पे अगर एक कोई फ्री है तो दूसरा बिजी है. तो जैसे अनुष्का शूट कर रही है तो मैं अनुष्का को मिलने जाता था, मैं खेल रहा हूँ तो अनुष्का मिलने आती थी. तो हमारी हॉलीडेज जो होती थी वो काम के साथ टाइड अप थी. बाद में धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड करने लगे वहां पे इन जगहों पे घूमने लगे तो मुझे समझ आने लगा कि यार मुझे तो साली अकल ही नहीं है इन चीजों की. यू नो ऑब्वियसली शी इज ट्रैवल्ड मोर नोज मोर शी meets different kinds of people who work in the industry or you know from other parts of the world shoot kahin ho raha hai to different cultures se you mix to wo usko knowledge zyada hai she has a better understanding of things to I figured out very quickly ki yaar she knows way more so obviously she will be in the best position to take responsibility for that but ek tha ki whatever she chose or whatever she had in mind I loved it as well. तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई. तो एक एक एक, एक र्यूमर आया मेरे को कि हम जब भी विराट को खेलते हुए देखते हैं अनुष्का जो वाइफ है अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के बिकॉज शी ऑल्सो इज वेरी बिजी चाहे वन डे हो चाहे T20 हो चाहे टेस्ट मैच इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू डजंट मैटर विच कंट्री विच कॉन्टिनेंट वगैरह वगैरह. सो वी हैव सीन अ वेरी supporting wife who also has a very busy schedule coming and helping and supporting Virat. जब मैंने पता करने की कोशिश की कि विराट कोहली कितने बड़े हेल्प है आपके प्रोफेशन में तो हमें बताया गया कि जनाब लंदन गए थे और पराग गए थे शूटिंग देखने के लिए सपोर्ट के लिए. 5 मिनट की शूटिंग देखी और एक ओल्ड ट्रक वाला रेस्टोरेंट था वहां जाके सो गए पूरी रात. और फिर पराग भी गए शूटिंग देखने के लिए. तो यार ये तो बहुत अजीब है कि एक है कि वो बेचारी पूरा टेस्ट मैच देखती है पूरा टेस्ट मैच जब सरजी बैटिंग भी नहीं कर रहे और आप हो सपोर्ट के लिए गए 5 मिनट देके सो गए. ये क्या सपोर्ट हुआ दोस्त? यार देखो मैं आपको समझाता हुआ क्या था एग्जैक्टली. फंस गया आदमी. सुनो फंसने की बात नहीं है मैं बताऊंगा. आदमी रात को पहुंचा और शूट चल रही थी. ठीक है मैं आया हूँ मैं शूट पे गया हूँ सीधा. तो 4.5 घंटे 5 घंटे का फर्क है. तो अब जेट लैग कभी ना कभी तो किक इन करेगा. मैं शूट पे गया हूँ. देखो 5 मिनट सच्चाई है भाई हमें पता चला 5 मिनट नहीं रहे. रुके आप सच्चाई नहीं मैं रुका हूँ. सच्चाई ये है कि मैं जेट लैग था. जब मुझे नींद आई तो मैं होटल नहीं गया हूँ. मैं सेट पे पीछे एक वैन थी जो खाली थी बस थी मैं वहां पे सोया हूँ. जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर बेचारी अपना शूट छोड़ के डर के मारे सब ढूंढ रहे हैं आपको कहाँ गया. हाँ वो मैं जिसको बताया था उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो पीछे सो रहा है. लेकिन मैं सोया सेट पे. मैं भागा नहीं मैं होटल नहीं गया था. ये बात सच है आप कंफर्म कर सकते हो वापस. और बोला फिर बंदा फिर पराग भी गया और सेम चीज हुआ
कि आए मैं आपके लिए आया, आपकी शूट देखूंगा, ऑल सपोर्ट, बंदा फिर आउट, फिर सो गया। प्राग में क्या सोया था मैं? एक सेकंड, प्राग में कब सोया मैं? अब वापस यार जेट लैग होगा तो वापस जाएगा ना आदमी। अब शूट के टाइमिंग देखो, मैं सीध मेरी एक चीज, एक कमजोरी है लाइफ में, वो है नींद। ठीक है, मेरी नींद कमजोरी है और जेट लैग हो तो भाई साहब मैं नहीं उठा जाता। नो प्रॉब्लम, मैं अगर उस टाइम का शूट है कि यार शेड्यूल्स इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए वैसे ही होते हैं कि आप कभी दिन में शूट कर रहे हो, कभी रात में शूट कर रहे हो। अब मेरी किस्मत ऐसी कि दोनों बार जेट लैग में मैं वो रात को जो 6 बजे वाला होता है वो शिफ्ट में गया हूँ। अब मैं क्या करूँ उसमें? चलो ये तो मैंने मान लिया और आपको माफ भी कर दिया कि रात थी। भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज दी विराट, आपने अपने हाँ। धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए, ये क्यों? यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने? ये तुमने कब बताया सर? है? अच्छा मुझे मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो? शाबाश, कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव तो, में क्या हो रहा। बहुत बढ़िया। तो यार बीबी जी ने सारा सारा प्लानिंग कर लिया, आपको भूटान ले गए, एवरीथिंग इज वेल डन, यू बोथ आर जॉगिंग, एंजॉयिंग साइकिलिंग और व्हाटएवर, पीछे से किसी ने आवाज दिया विराट, आप आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कौन आ गया, आपने अपनी बीबी छोड़ के भाग गए। अरे नहीं भाई वो यार ऐसी बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? यार तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार? एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो यार, आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। शी थॉट कि मैं घूम गया हूँ, शी थॉट आई एम लॉस्ट। हुआ क्या वहां पे ना, अब हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे तो वहां पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे। तो मैं बाइक पे था तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मैं, मेरी बाइक तेज चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था, अपने आप तो चलेगी नहीं, मैं चला रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहां पे ना भीड़ थी, तो वहां भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी, मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की मतलब रेस खत्म करनी है, और मैं इतनी आगे पहुंच गया, इतनी आगे पहुंच गया, और मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये तो आई नहीं रहे, आई नहीं रहे, आई नहीं रहे। तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें, जो कहीं पे भी रुको तो उन्होंने बोला जहां आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे। तो वो गाड़ी रुकी, वो आ गई गाड़ी, मैंने कहा मैडम कहाँ है? बोलते वो तो पीछे। फिर मैंने यू टर्न मारा, मैं तो क्या कहा मैं तो बहुत आगे आ गया। फिर वो पीछे से आ रही थी वहां पे। अच्छा उसके बाद क्या नहीं बताया? क्या क्या बताओ बताओ। कुछ नहीं, मैंने साइकिल चलाई पगल पगल में, तुमने रोकी नहीं अनुष्का ने। मैं बोल रहा हूँ बम, हाँ मेरे को पता नहीं चला यार, मैं आगे चला गया, वो किसी ने आवाज लगाई थी, वो ऐसे कर रही है, बात नहीं कर रही, नहीं जैसे जानती वो रोड पे नहीं आ जाते वो फालतू में बातें करने, देख ही नहीं मेरे को। शुक्र है सिक्योरिटी को नहीं बोला काम कर रहा मुझे दूर करो। अच्छी रिसर्च करी आपने, अभी तभी बोल रहे थे और नहीं बताऊंगा क्या पूछना है। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। You know, champ, there's something that I want to tell you was, I've read so much about this in news and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share, how, because 2014 का आईपीएल व्हेन यू थॉट कि मैं बॉडी चेंज करूंगा वो भी उसी टाइम पे था, अनुष्का कमिंग टू योर लाइफ भी 13-14 के टाइम पे था, सो ऑल दिस गुड ट्रांजिशन हैपेंड देन, व्हाट वुड यू से अबाउट विराट कोहली बिफोर अनुष्का एंड विराट कोहली आफ्टर अनुष्का? आई वुड द रीजन व्हाई आई से दैट व्हेन शी केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग दैट वाज नेगेटिव इन मी चेंज्ड फॉर गुड इज बिकॉज, पहली बात तो आई ऑलवेज मेंशन्ड दिस दैट बिफोर आई मेट हर आई वाज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी फोकस्ड ऑन कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपना कंफर्ट जोन बना के रखना है। कंफर्ट जोन वाज अ बिग थिंग, यू नो, जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये, व्हेन यू मीट अ पर्सन दैट यू लव यू वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर द अदर पर्सन, यू हैव टू ओपन अप, यू नो। सो
एंड द कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशंस वी ऑलवेज हैड वॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, इट इज अबाउट कंपेनियनशिप एंड दैट्स समथिंग दैट शी टॉट मी व्हेन शी केम इनटू माय लाइफ. मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड था उससे पहले, आई कुड नॉट थिंक बियॉन्ड माय सेल्फ. That's why I think keep saying that my life completely changed because I started looking at her. Yaar, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this, that so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, I because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. Aap kuch bhi baat karoge, to wo alag hi matlab nikalte hain. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो होता ही है लाइफ में. यू नो, यू मीट अ पार्टनर, यू गेट मैरिड, यही प्रोसेस है लाइफ का. वी नेवर रियली सिट डाउन एंड से दैट यू नो आई थैंक गॉड विद बोथ माय हैंड्स कि वी फाउंड ईच अदर, अदरवाइज लाइफ कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट एंड नॉट इट कुड हैव गॉन रॉन्ग. या इट कुड हैव एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इज स्पॉट ऑन. इट कुड हैव गॉन टोटली रॉन्ग एंड वी मेन टू स्टैंड अप एंड से दैट इट इज बिकॉज ऑफ our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. No, but it also, you said, you also have to be a little bit lucky to get the right partner. And what I see between you and Anushka is something that I also see with me and my wife, because I've been together for 15 years and I understand what you're saying. When it clicks, when you know somebody who has all your interests and also helps you grow, it's amazing. Yeah, I agree. I totally agree with you. You know, talking about my wife, I'm not taking any questions right now, but her question I have to take. So she has a question for you, which is not amongst 10. Okay. So she says, tomorrow a biopic is made on Virat Kohli. And let's say Anushka the actor agrees to do the role of Anushka the wife. Would you act as Virat Kohli in your own movie? Because she thinks you will do a great job. With Anushka, I'll definitely do the biopic myself. Great. And she would be very happy. And I don't know many people who know about you, but you are immensely funny and you can act. And I don't know a lot of people that know about you. ये भी मैं गलत फहमी दूर कर देता हूँ. गलत फहमी है कि I can act. एक होता है, I can play football also. आप मुझे ISL खिला दो. हाँ या ना, बोलो, अभी बोलो मेरे को. नहीं, नहीं, समझ गए आप, difference समझ गए? नहीं, लेकिन मैं क्यों बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्ट, बिकॉज यू हैव टू एक्ट एज विराट कोहली ओनली इन दैट मूवी. आई एम सेइंग तभी मैं बोल रहा हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बेटर मैं ही प्ले कर सकता हूँ. वही वही एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. कोई और बेटर कर दे तो फिर तो बहुत ही बिल्कुल ही निठल्ला आदमी हूँ मैं. तो मैं ये डिफरेंस समझा रहा हूँ कि लोगों को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आई कैन एक्ट इज, जब आप इतने कमर्शियल्स कर चुके होते हो उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है. जो कोई भी true you know, a man with half brains also can learn to go from point A to B, especially from doing it repeatedly. I exactly meant that only. Is an art. I am not an artist. Practice is an art. I am a professional cricketer. वो मेरे को, मैंने कुछ देख देख के वो स्कीम निकाल ली कि ए से बी तक ऐसे जाना होता है. उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो क्राफ्ट आती है. अब आप मुझे बोलो, अगर आप बोलते हो मैं हाँ मैं तेरे को ISL का मैच खिला दूंगा सेमीफाइनल वो भी सीधा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई मेरे को आती है, खिला दूंगा. इफ यू रेडी टू प्ले अगेंस्ट FC गोवा, क्या बोलते हो? मेरे को लग रहा है टाइम हो गया अभी चैट का. समय का. ओके, देयर नाउ नाउ वी ऑलमोस्ट डन, वी ऑन द 8th क्वेश्चन नाउ. दिस इज अ गुड वन. सो वी ऑल नो योर लव ऑफ डांसिंग एंड डूइंग भांगड़ा. Okay, I have seen it firsthand, and a lot of people have seen it. Now, but when you talk about professionally, song and dance is a routine that your wife does professionally in her work. तो जब चक्कर चलना शुरू हुआ, आपके दिमाग में आया कि यार अब मैं खुल के नहीं नाच सकता, या फिर डांस बेटर कर लूं, या मुझे जज करेगी, क्या मन में आया कि छोड़ना यार प्यार करता हूँ, नाचूंगा जैसे मेरी मर्जी में नाचता हूँ? नहीं, ये ऐसा
ऐसा कभी मन में आया ही नहीं, वैसे भाव मन में आते तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, वो कभी हमारे बीच में नहीं था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना, हम पहले दिन से ही खुले थे जैसा मैं था, एंड दैट इज समथिंग दैट शी ऑल्सो लाइक्ड अबाउट मी कि मैं खुल के बात करता था, तो जो मैंने बोला ना वो एक लेयर ऑफ जो एक पोशपना हाँ या बी परफेक्ट पॉश, या मैं पॉश नहीं था कि यू नो व्हाट आई रियली थिंक वी शुड डू इट लाइक दिस, और हमारी शुरुआत ही वो कमर्शियल हुई थी, हम डांस कर रहे थे साथ में सालसा, जिंदगी में मैंने कभी सालसा नहीं किया, तो मेरी जितनी जितनी हालत खराब थी वो आप नहीं समझ सकते, लेकिन हमें कभी मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इन फ्रंट ऑफ अनुष्का आई कांट डू दिस और आई कांट डू दैट, एंड नीदर डिड शी फील लाइक दैट एवर. That's wonderful, and I think I can vouch for that knowing you. That's wonderful. तो generally जब भी अब ये नाइन्थ क्वेश्चन है, आई नो आई एम टेकिंग मच ऑफ टाइम, बट जब भी कोई र्यूमर्स आते हैं मैं जनरली पता देता नहीं न्यूज़पेपर को, जितने भी चीज लिखी जाती है मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट देर इज वन र्यूमर दैट आई वॉन्ट टू बिलीव. द स्टोरी गोज दैट यू टू यूज फेक नेम्स एंड ई मेल्स इन द बिल्डअप टू ऑर्गेनाइजिंग योर मैरिज. प्लीज बी ऑनेस्ट हियर. ये मेरा आइडिया नहीं था भाई, इतनी इतनी सोच, इतनी सोच मेरी नहीं जा सकती, यू नो क्या मैं ये तो सच बोलता था था या कि नहीं था? आपने, हाँ क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, अगर मेरे कंट्रोल में होता यू नो टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, पक्का भांडा फूट जाता 3 दिन के अंदर कि क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है, सब खाना पूल डेकोरेशन सब पता चल जाता, फिर आप तो चुप कैसे खा गया? आपको बताया नहीं शुक्र गया है मैं, फिर? नहीं मैं टेस्ट मैच खेल रहा था, शुक्र है, नहीं तो हो जाता काम, बट या अभी ऑन अ सीरियस नोट कीप इट दैट वे, एवरीवन वाज ब्रीफ दैट यू नो वी हैव टू कीप इट डिस्क्रीट एंड अमेजिंग, लाइक वी ऑल स्टिल बिलीव दैट द वे इट वाज डन एंड यू नो द वे इट वाज बीइंग एबल टू पुल इट ऑफ वाज आउटस्टैंडिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल द हार्ड वर्क ऑल द प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग अनुष्का डिड इट फुली, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो जो आया था वहां पे सबको पता है, एंड एवरी लव्ड each and every minute of us you know being together, so it was an amazing amazing time. Those, not only the people who were there, but everyone who has seen the pictures and the videos, I think that's the best thing of that. Outstanding, boy, outstanding. And you know, I was talking to Anushka, and she also said one thing. Knowing the marriage, knowing the whole romantic setup and beautiful, everything beautiful. When I came to know ki Janab ne madam ko propose bhi nahi kiya, I was shocked. But she said it happily. She said that it was so natural and organic, we never had to propose anyone. But किसी और को विश्वास नहीं होगा कि विराट कोहली साहब जनाब ने अपनी मैडम को इतनी ब्यूटीफुल शादी की और प्रपोज भी नहीं किया. ये कैसे दोस्त? यार देखो मेरा मानना ऐसा है कि जब आप लाइफ खुल के जी रहे हो ना और प्यार करके जी रहे हो, तो कोई स्पेशल ना तो वैलेंटाइन डे होता है ना कुछ होता है, हर दिन ही वैसा होता है, एवरी डे कैन बी द सेम एज अ वैलेंटाइन डे, कैन बी स्पेशल, एंड एज शी सेड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट वी नेवर फेल्ट लाइक यू नो वी नीडेड टू डू दैट, वी न्यू दैट वी आर गोना मैरी इच अदर, देयर वाज नो डाउट एवर, सो वंस वी न्यू कि एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड वी वर जस्ट सो हैप्पी एंड सो यू नो एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर लाइफ टुगेदर एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर, दैट्स ऑर्गेनिकली हाउ थिंग्स वेंट ऑन. भाई आप तो ऐसे मुझे पता है, बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अनुष्का एंड आई थॉट शी माइट से कि अरे इसने प्रपोज भी नहीं किया, बट शी सो हैप्पीली सेड दैट इट वेंट सो ऑर्गेनिकली एंड दैट्स द एग्जैक्ट वे आई वांटेड इट, व्हिच इज अनबिलीवेबल. क्योंकि पता, मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई. मैंने इनके अब्बा हुजूर से पहले इनका हाथ मांगा, उसके बाद फॉर्मेलिटी वाइज मैंने हाँ इनको मुझे जाके सब प्रपोज पता किया. है. अच्छा ओ क्या बात एक दिन है. परेशान होगी, कहती कि तुमने मेरे डैड से पूछ लिया, मेरे को तो पूछा ही नहीं. तो फिर मैंने फॉर्मेलिटी वाइज इनको ले गया और इनको प्रपोज किया, पर मैंने इनके डैड को पूछा पहले. या वियर्ड थिंग्स हाँ अबाउट अस, बट ब्यूटीफुल भाई. मुझे तो और भी वो ज्यादा आई कुछ थिंक आई कैन पता है, बट से वो बोल नहीं सकते. मैं भी करूंगा एक दिन लाइव, मैं भी पूछूंगा, रुक जाओ आप. कह रहे माफ कर दे. अच्छा चलिए, ये अब आखिरी सवाल. हाँ आपको अगर एक दिन दिया जाए, एंड आई नो हाउ हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन, अगर एक दिन दिया जाए कि दोस्त आज जा, जो मर्जी खाना है खा,
तेरे को उसके बाद जिम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे को मेंटली और फिजिकली कोई टेंशन नहीं आएगा, तू जो मर्जी खाना खा, वन डे पास, क्या खाओगे, कहाँ से खाओगे, डिटेल वाइज। मैं पहले खाऊंगा, सुबह उठूंगा, अभी जब खाने की बारी हो तो जल्दी उठ जाऊंगा, बहुत जल्दी, ठीक है। बंदा हाँ कितना वंचित है खाने से। हाँ जल्दी उठ जाऊंगा, देखो कीड़ा अंदर है, हाँ, दबा उसे के रखा हुआ है। जागने नहीं देते, वो अलग एग्जैक्ट बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, हाँ आई अंडरस्टैंड बहुत दिस। बहुत भयंकर कीड़ा हो, जब उठ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी उठूंगा सुबह, पहले पहले उठ गए। मैं मैरी बिस्किट आते थे ना, मैरी बिस्किट, ओह, चाय ठीक के है। साथ? हाँ चाय के साथ नहीं, चाय मैं पीता नहीं था बचपन में, मैं आपको अच्छा, पुरानी बता रहा हूँ। हाँ दूध की मलाई निकालो, हाँ घोलो, ठीक है, हाँ 10 बिस्किट नीचे, हाँ उस पे मलाई लगाओ, 10 हाँ उसके ऊपर, उसके सैंडविच बनाओ ओह, पहले, ठीक है, फ्रिज में बन रख गए। दो। बन अच्छा, हाँ फ्रिज में फ्रिज में रख रख दो। दो, प्रिपरेशन हाँ रहता है, फ्रिज में तभी से रख, उठना है। हाँ हाँ फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिए। वो नाश्ते की पहले उठ के स्वीट डिश बनानी है, उसके बाद अच्छा दोबारा आराम करना है, उसके अच्छा बाद जाऊंगा मैं ठेले से छोले भटूरे खाऊंगा, ओए, चार ये भटूरे हुई नौबत, खाऊंगा, मतलब 2 प्लेट हो गए। हाँ जो उंगली मार के फूस करने पड़े, वैसे वैसे टाइप के। हाँ हाँ बगल में वो अचार भी वो मिलता फ्लैट है नहीं आने चाहिए, वो गाजर उंगली का। मारनी पड़ेगी। हाँ हाँ, धुआं निकलेगा हाँ वहां। गाजर का अचार, लाल मिर्च का अचार और प्याज और वो चटनी, हरी चटनी। 12 रुपये मिलते थे हाँ हमारे टाइम पे। 2 प्लेट खाऊंगा, ठीक है, उसके बाद लस्सी पीऊंगा, कहाँ की? लस्सी वो सदर बाजार वाली। अग्रवाल की? ओ हाँ हाँ हो, अग्रवाल की लस्सी। हाँ हाँ वो इतनी बड़ी मलाई की उसके ऊपर वो होती है ओह, लेयर। हाँ सदर बाजार अग्रवाल की लस्सी पीऊंगा, उसके बाद जाऊंगा वापस, वो मैरी नेहरा जी को बिस्किट हाई बोल देना, खाऊंगा, लेकिन है। नेहरा जी को हाई बोलते जाना। हाँ वो तो बगल में है, हाँ उनको तो हाँ मिलते जाऊंगा। उसके हाँ बाद 10 बिस्किट खाऊंगा मैरी गोल्ड, अच्छा, जो जो बन घर पे चुके रखे हैं। हैं बिस्किट के सैंडविच, वो मैं खुद बनाता था बचपन में, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा पेट को, उसके बाद लंच में बनाए जाएंगे राजमा चावल, वाह, लंच में बनाए जाएंगे राजमा वाइट चावल, राइस, बढ़िया प्रॉपर राजमा चावल। प्रॉपर प्रॉपर व्हाइट राइस, घी वाले, जीरा डाल के प्रॉपर मसाले वाले राजमा, 2 प्लेट भर के वो खाऊंगा, ठीक है, 2 प्लेट। उसके बाद शाम को पनीर की पैटियां बनेंगी। अरे बंदा ये भी कर रहा, बोल अरे नहीं होठ सूखे थे यार, चटके नहीं ले रहा मैं, सुनो तो। उसके बोल। बाद हाँ वो 2 ब्रेड के उसके पीस के बनेंगी, जो वो ट्रायंगल वाली होती अरे है ना, वाह, वो वाली काट के। करनी। हाँ, ओ पैटी या हाँ पफ फुलाकर? नहीं, पैटी पैटी हाँ पैटी, वो पैटी, ठीक ब्रेड के है। अंदर डाल के जो चार बनती है हाँ टोस्टर में, हाँ बन उसको गई। काट के वो हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ, मैगी वाली, नॉर्मल नहीं, हॉट एंड स्वीट, वो सॉस के साथ शाम को पैटी चलेगी। उसके बाद रात को दाल मखनी, हाँ नान? दाल मखनी, गार्लिक नान, ओह, और क्या, और बढ़िया सब्जी कौन सी लगती थी, अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, पहले वो, उस टाइम पे जो लगती थी, हम बोल नहीं सकते अभी। हाँ उस मास्टर टाइम पे शेफ जो आने वाले दिन गए। हाँ उसकी क्रेविंग भी नहीं होती है भाई, ऑनेस्टली। एक जगह थी पकवान नाम की, तिलक हाँ नगर के पास। उधर हाँ उन्होंने कहा, कि तुम एक सब्जी ऑर्डर कर दो कुछ भी, हाँ और तुम्हारे हाँ नान फ्री। उतेरी। भाई हम फुटबॉलर वहां पहुंच गए, हाँ हमने 2-3 सब्जियां मंगाई 5 लोगों ने, और इतने नान पेल दिए। उन्होंने बोला भाई कल से बंद, ये ऑफर बंद। हाँ मांस मच्छी खाने वाले दिन गए, तो वो नहीं बोल सकता मैं। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके ये बाद हुई ना गुलाब बात। जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सोऊंगा नहीं, घर हाँ जाऊंगा वापस, हाँ उसके बाद वॉक के लिए निकलेंगे, उसके बाद अरे रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, केक वाह, 20 रुपये वाली, हराती थी। हाँ हाँ 7 रंग वाली हाँ कसाटा आइसक्रीम, हाँ ठीक है, वो खत्म होगी। उसके बाद जाके सॉफ्ट वो खाऊंगा, जो मिक्सचर होता है माउथ फ्रेशनर। सॉफ्ट हाँ सॉफ्ट वाला मिक्सचर खाएंगे, फिर भी नहीं सोऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पे लूंगा, तब दिन खत्म होगा मेरा। क्या बात है यार दोस्त। आई थिंक जो हाँ आपने लाइव किया है ये आज, मैं इतना अंदर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो दिन आपकी लाइफ में जल्दी आए। एंड आई नो हाउ स्ट्रिक्ट यू आर,
बट आई होप ये मुझे पता था। नो 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 आई होप विराट कोहली हिमसेल्फ कन्विंसेस विराट कोहली टू टेक दैट ऑफ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ आई नो योर रिजीम एंड आई नो हाउ स्ट्रिक्ट यू आर, बट फॉर सम रीजन मे बी हैप्पीनेस मे बी यू थिंक ओके वन डे वो दिन आए, और जब भी आए मेक श्योर यू डॉक्यूमेंटेड व्हाई, बिकॉज आई विल लव टू सी इट। मतलब उसकी एक दिन की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे हम, ठीक है डन प्लीज। और अगर मैं दिल्ली में हुआ उस टाइम पे, अगर आप दिल्ली में खा रहे हो मैं जरूर आऊंगा, ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है नो प्रॉब्लम डन। एंड विराट ऑन दैट नोट आई वांट टू से समथिंग टू यू दैट यू माय फ्रेंड आर एन अमेजिंग पर्सन। मैं दिल से बोल रहा हूँ चीज, एंड आई हैव नॉट सेड दिस टू यू बिफोर, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग हूएवर यू आर एंड द होल कंट्री लव्स यू एंड व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड, यू आर जेन्युइनली अ गुड पर्सन भाई। And I wish you all the very best for everything that you do in your life. Thank you, Skip. I would also like to say that I didn't know you before. और जब आप जानते नहीं हो किसी को तो एक perception तो मैं मानता नहीं create करने में, लेकिन एक एक खुलने की hesitation होती है कि यार I don't know कि कैसे बंदा receive करेगा. But the way we have hit it off, the way we have you know become such good friends, I'm actually really grateful that I got to know you personally. And thanks we formed that. A friendship that's going to last forever. Cheers, that cheers I to know that. For sure in my heart. So thank yeah. you for calling me. I hope people loved it. मैं तो comment देख रहा हूँ, सिर्फ वो आंसू निकलने वाले smiley आ रहे हैं। I know ये समझ लो कि अभी censored version है। अभी सामने सुन लोगे तो बकियां चढ़ जाएंगी हंसते हंसते। तेरा तो पता ही कुछ नहीं हो रहा है। मैंने मेरी बीवी कह दी जिस तरह तुम मैसेज कर दो ना उसे गल ही करना, और गलती से भी कुछ गंदा नहीं बोल देना इंस्टाग्राम में, कहते रिपीट कर ले रिपीट कर ले वो कनेक्शन आप जाना जैसे शुरू हो गया। ए विराट थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लेजर, मेनी रिगार्ड्स टू अनुष्का फॉर बीइंग अ स्पोर्ट, एंड यू टू एंड द होल फैमिली स्टे सेफ हियर। थैंक यू वेरी मच, गिव आवर रिगार्ड्स टू सोनम एज़ वेल, एंड यू गाइस टेक केयर। आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, चीयर्स। एक एक लास्ट 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 आप फैंस से कुछ बोल दो यार, मुझे गाली देंगे, अपने फैंस से कुछ बोल दो। फैंस तो दोनों के ही आए हुए हैं, आई होप कि जो फुटबॉल फैंस हैं दे एंजॉयड द कन्वर्सेशन, आई होप जो क्रिकेट फैंस हैं दे एंजॉयड द इंटरेक्शन, एंड द लेसन फॉर अस ऑन अ डेली बेसिस लिविंग यू नो द लाइव्स दैट वी लिव इन आवर प्रोफेशंस एनीथिंग दैट वी डू, आई विल ओनली से वन थिंग कि खुल के जियो, एंजॉय व्हाट यू सी, things that you watch, things that you listen, enjoy it with an open mind and just see good in everything and everyone. That's all, and I hope you all loved it because we had a ball talking to each other, and we'll do this again sometime. Cheers Virat, thanks a lot, have a good night. Thanks Skip, cheers, bye. Bye-bye. Oh, I know it's 1.5 hours. And I'm going to close it. I really want to say thank you to Virat. We chat every day, but there are a lot of things that we hadn't talked about. And I'm glad that we could take things out of him. And I'm also sure that he enjoyed it. We all know what a superstar is. But trust me, he is a genuinely, genuinely good guy. And somebody who works really, really hard. And somebody who is immensely funny. On that note, I hope everyone enjoyed it. Keep watching cricket, keep watching football, keep watching all the sports, be happy, be safe wherever you are, and I loved it, I enjoyed it, and I hope you guys did also. Take care and have a good night.